हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं? आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट बताऊंगा कि आप ओमेगल कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या होता है, इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। प्रोसीजर दोनों चीज़ों के लिए, लैपटॉप हो या आपका मोबाइल हो। तो चलते हैं। सबसे पहले आपने जाना है ओमेगल। ओमेगल एक वीडियो कॉलिंग वेबसाइट है जिसमें आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करनी पड़ती, कोई पे नहीं करना पड़ता। तो सिंपली अब मैं ऊपर से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से, ठीक है? यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह बता देता हूँ कि आप मोर देन 40 लैंग्वेज में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो किस तरह से? तो फिलहाल जो है, मैं अगर जैसे इधर ये अगर मैं इंग्लिश चूज़ करता हूँ तो ठीक है, अब ये इंग्लिश में ही यूज़ हो रही है, ठीक है? हाँ, अगर आपने हिंदी में यूज़ करना है तो उसके लिए आपको इधर आ जाना है। ये अब ये हिंदी में इस्तेमाल हो रहा है। और अगर आपने इसको उर्दू में यूज़ करना है तो सिंपली आपने इसको, ये कंप्लीट बता रहा हूँ, बहुत से लोग पूछते हैं कि यार हमज़ा फरहान भाई किस तरह से इसको यूज़ करना है, लेकिन फ़िलहाल जो मुझे लगता है ये उर्दू में यूज़ होगी, ठीक है? अगर आपने अरबिक में यूज़ करना है, सिंपली इसको कट कर दें, ये दोबारा आपको वहाँ ले आएगा, ठीक है? फिर आपने इसको अरबिक में यूज़ करना है तो आप इस तरह से यूज़ करते हैं। तो ये लिखा हुआ आयरलैंड, ठीक हो गया? तो अब सिंपली मैं बैक करता हूँ। तो अब दूसरा ये है कि अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है। व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट, यानी कि ये वो इंटरेस्ट यहाँ पे आप पुट करेंगे जिसमें आप, मतलब जो ज़्यादा लोग हैं, जैसे कि आप अगर मतलब किसी कंट्री में रहते हैं, जैसे om.tv है, उसमें आप लोकेशन चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। लेकिन आप इसमें जो है क्या कहते हैं, विदाउट पेइंग आप किसी भी कंट्री से कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि USA है, तो यहाँ पे आपने USA लिख देना और कुछ भी नहीं लिखना, जो वहाँ की कंट्री के जिस जिसने ये इंटरेस्ट डाला होगा आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक हो गया? ये आ गई वीडियो। ज़्यादातर लोग टेक्स्ट चैटिंग ही वीडियो में भी आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर वीडियो इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? और आपको किसी से कंफर्म भी करवाऊँगा। तो आपने अक्सर ये देखा होगा, ये ग्रे स्क्रीन है। तो इसका भी आपको मैं इसी में बताता चलूं कि इसका आपने क्या करना है, कि जब आपकी ग्रे स्क्रीन, तो भाई इसका यही ऑप्शन है कि आपने इसके अलावा, जैसे ये मैं गूगल क्रोम यूज़ करूँ तो आप मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं, और भी जो वेब ब्राउज़र हैं वो यूज़ करें अगर आपका ग्रे स्क्रीन आ रहा है, ठीक है? अगर ये नहीं होता तो आपने जो इधर जाना है सेटिंग में जाके, प्राइवेसी, ये इधर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना है, आपने अपना कैश क्लियरिंग ब्राउजिंग सब कुछ क्लियर कर देना है, जैसे कि ये है, ठीक है? तो ये भी मैंने आपको बता दी इस वीडियो में कि आप किस तरह से ग्रे स्क्रीन को फिक्स कर सकते हैं। आप बेशक आपके पास मोबाइल है, बेशक आपके पास सैमसंग मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कुछ भी है, सारों के लिए ये प्रॉब्लम है। मुझे याद है एक कोई मेरे ख्याल से इसी ओमेगल पे मिला था, उसने मुझे पूछा यार इसका इंटरेस्ट का किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यार सोचा लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो दोबारा मैं चलता हूँ। तो ये कनेक्ट हो गया, यहाँ पे आपको ये पता लगता है यू बोथ लाइक USA, ठीक है? अभी जो है प्रॉब्लम, चलो इसको स्किप कर लेते हैं, ये आ जाती है, लेकिन आपने जो है ना ब्राउज़र चेंज करना है। हाँ, अगर अगर मैं आपको एक विद प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक है ना? ये मेरा चल रहा है मोबाइल डाटा, मैंने ये देखें, ये चल रहा है मेरा मोबाइल डाटा, तो ये इसीलिए कनेक्ट नहीं हो रहा। अब मैं अपने वाईफाई पे आता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी ग्रेन से। और ये टेक्निकल एरर जो है ना, ये बार दफ़ा यूँ होता है कि आप स्विच करते हैं ना, टेक्निकल एरर ये सब कुछ इसमें आ जाता है। अब आप देखेंगे, हे व्हाट्सएप,
तो ये इसने कर दिया, तो ये आपका हेलो, तो ये आपका टेक्निकल एरर भी इसमें सॉल्व हो गया। और दूसरा, अभी मैंने आपको विद प्रूफ दिखाया कि मैंने मोबाइल का डाटा यूज़ किया हुआ था, तो इसलिए जो है ना वो ग्रे स्क्रीन जो है या लोडिंग स्क्रीन होता है। तो आपने वो बंदा भी देखा, आपको लगा भी कि ये गोरा होता है। तो और भी आपको कुछ और पूछना है जो मैं नहीं बता सकता, तो जैसे कि आपका जो कैमरा या माइक्रोफोन होता है वो नहीं हो रहा, तो सिंपली आपने आप जो अभी फ़िलहाल तो लैपटॉप में हो, तो यहाँ पे इसको जो डिफ़ॉल्ट है उसको आपने ही पे क्लिक करना है, तो आपका कैमरा और ये अलाउ हो जाएगा। ठीक हो गया, तीन प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी हैं, एक तो ग्रे स्क्रीन का टेक्निकल एरर, और जो ये इंटरेस्ट है, और ये कुछ लैंग्वेज वगैरह वगैरह। तो ये वीडियो है, अगर आपके पास कोई और प्रॉब्लम है जो रिसेंटली हो, टेक्निकल एरर भी सॉल्व कर दिए, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सिंपली आप इधर इंडिया लिखें, यूएसए लिखें, ऑस्ट्रेलिया लिखें, स्वीडन लिखें, जापान लिखें, तो आपके वही उसी कंट्री से आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो।